हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। कितना आजकल बुंदेलखंड में अंधविश्वास को आ रहे हैं, कहीं पर पता चलता है कि यहाँ पर ये देवी ये देवता, ऐसे में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर और वहाँ देखने मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। ऐसे ही एक मामला बांदा जिले के भरखरी गांव का आया है, जहाँ पर इतना पुरान इमली का पेड़ था, वहाँ पर कहते हैं कि गणेश जी निकले। अब देखते हैं उन गांव वालों से जानते हैं कि किस तरह का लोग विश्वास कर रहे हैं जो भरखरी गांव में गणेश जी निकले हैं। आप गणेश जी देखने गए थे, कितना अंधविश्वास को मानते हैं? अंधविश्वास को हम एक भी नहीं मानते। तो फिर क्यों गए थे देखने? लोग कहते थे कि यहाँ गणेश जी निकले हैं, तो उसे देखने गए थे कि हाँ सचमुच में गणेश जी निकले हैं कि नहीं। लेकिन वहाँ गणेश जी निकले क्या है कि उसमें छाल है पेड़ की छाल में नमूना उसका बना है बस, बाकी और निकले हुए नहीं है वो कि निकले हैं। गणेश भगवान अपने यहाँ निकले हुए थे अमली के पेड़ पे, इसलिए हमने भेजा था, सूचना दी थी आपको। हमने भी पहली बार देखा है ऐसा। कितने लोगों को आपने बताया है? हमने कई लोगों को बताया, काफी लोग भारी संख्या में देखने भी आए थे। गांव के ही लोगों को बताया है, अन्य लोगों को बताया है? अभी फिलहाल गांव के लोगों को पता है, पर धीरे धीरे सबको मालूम हो जाएगा। भगवान आकार बना है पेड़ पर, हमने भी पहली बार ऐसा देखा है, अभी देखा भी नहीं है जिंदगी में, पहली बार ही नज़र पड़ी है, अचानक नज़र पड़ गई, देख लिया, दर्शन हो गए। हमने जो देखा है पहले का कुछ साठ का रूप था, आज कुछ ज़्यादा हाई पावर पर दिखाई दे रहा है। हम मेरी समझ तो ये और बदलाव ले लेंगे धीरे धीरे, क्योंकि निर्जीव तो है नहीं, वृक्ष सब फूल पड़े और इमली भी इसमें पैदा हो गए, सब हो रहा है। अब इसका प्रारूप और बदलता जाएगा, हमको सजीव वृक्ष चाहिए तो इसका तो रूप और चेंज होगा। तो मतलब अभी बढ़ेंगे इनकी फेस कटिंग बढ़ेगी गणेश बाबा जी की। हाँ, तो यही मेरे कहने का मतलब कि कल कुछ और थे और आज और हैं। अभी इनमें चेंजिंग ही होती जाएगी, क्योंकि इनमें पूजा पाठ प्रारंभ हो गया ना। अब कहाँ पर आपको क्या शिनाकत मिल रही है, क्या क्या है इसमें शिनाकत? ये है कि ये हमको आँख नजर आ रही है दोनों साइड में जी। ये सूंड दिखाई दे रहा है, ये मत्था दिखाई दे रहा है, ये कान दिखाई दे रहा है, कान उधर है, पूरा मत्था दिखाई दे रहा है। भरखरी गांव में कहा चल रहा है? कहा चल रहा है, यही गणेश जी इसमें दर्शाए गए तो दर्शन किया हम लोगों ने, और गांव के लोगों जो देख रहे हैं वो भी अपना दर्शन कर रहे हैं। और कम से कम ये हजार वर्ष तक कम पुराना पेड़ है नहीं होगा, अब शक्ति भक्ति है, नरसिंह भगवान बैठे ही हैं, और सब गांव के ननाई लोग पूछते हैं। किसी का इसमें नुकसान नहीं हुआ, घर हैं, मकान हैं, आदमी खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, बैठते उठते हैं, आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। आज तक ऐसे ऐसे डालें इनकी गिरी हैं कि भैंसे बनी है, भैंसे बांधी गई भीतर, जिसके बाद अल्लाह का गिर गई डाल, पर किसी को चोट नहीं आई, किसी का नुकसान नहीं हुआ। हम इसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि भगवान तो हर जगह है, कहाँ नहीं है, भाई हिंदुस्तान है, यहाँ उन्हीं का देव स्थान है, हर जगह चाहे जहाँ पर जाइए वहाँ पर भगवान का बात, कोई कमेंट नहीं कर सकते जी, नो कमेंट। तो बाढ़ है, सूखा है, तो ये प्रकृति की देन है। अगर इतना होने लगे कि गणेश जी हैं तो बचाएं उसको, बाढ़ आती है, बाढ़ को रोके गणेश जी, तो हम माने कि हाँ गणेश जी निकले। यानी आप नहीं मान रहे हैं? हम नहीं मान रहे कि गणेश जी निकले हैं, वो तो बना है उसमें न आकृति उसका, लेकिन वो निकले हुए नहीं है, उसका है कि मतलब दिखाई उस तरह दिखाई दे रहा है कि हाँ बना है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।